ट्रक ने रौंद दिया। भोजपुरी कलाकारों की हो चुकी है मौत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो कि कार्यक्रम में जा रहे थे नीतीश कुमार ने इस घटना पे दुख व्यक्त किया है कि भोजपुरी कलाकार जो कि कार्यक्रम में जा रहे थे और उसमें जाने माने चेहरे भी शामिल थे और आज का दिन उनके लिए मातम भरा था और आज काल बनकर आया है उनके लिए दिन और उनकी मौत हो गई है, जो कि भोजपुरी कलाकारों के लिए बहुत ही बुरा दिन था। इससे बुरा दिन उनके जीवन का हो नहीं सकता, जिनकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई है। एक साथ सभी एक कार्यक्रम में जा रहे थे, जिसमें फेमस भोजपुरी सिंगर छोटू पांडे के साथ अभिनेत्री आंचल तिवारी थी, उसमें सिमरन और बैरागी बाबा की भी चली गई है जान। बिहार के कैमूर के पास हुआ है ये हादसा। सभी भोजपुरी कलाकार यूपी में उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और उसी समय ट्रक ने रौंद दिया उनको सामने से और वो सभी भोजपुरी कलाकार दुनिया को अलविदा कह देते हैं। चार भोजपुरी कलाकार फिल्मी दुनिया के वो नामचीन सितारे, जो कि फैंस का दिल टूट सा गया है, उन्होंने दुनिया को कह दिया है अलविदा। जो जिनका जिनकी मौत हुई है, जिनकी मौत हुई, उन मरने वालों में भोजपुरी एक्ट्रेस सिमरन श्रीवास्तव, आंचल तिवारी, जाने माने सिंगर छोटू पांडे की भी मौत हो चुकी है, गीतकार सत्य प्रकाश उर्फ में बैरागी बाबा की भी मौत हो चुकी है। ये सभी लोग एक मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे थे। ये हादसा दोस्तों रविवार के दिन हुआ, 26 फरवरी का वो दिन था जब बिहार के ये कैमूर में हुआ। और जो पुलिस बता रही है वो यही बता रही है कि देवकली के पास जीटी रोड पे ये हादसा हुआ है। मोहनिया के डीएसपी दिलीप कुमार ने भी बताया है कि हादसा रविवार को शाम को हुआ और मृतकों की पहचान सोमवार को हुई। हादसा रविवार को होता है, लेकिन जो मरे हुए लोग थे उनकी पहचान सोमवार को होती है। मरने वालों में चर्चित नाम थे, जिसमें विमलेश पांडे और छोटू पांडे। डीएसपी ने बताया है कि मरने वालों में भोजपुरी एक्ट्रेस आंचल तिवारी, सिमरन श्रीवास्तव, गीतकार सत्य प्रकाश मिश्र, लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के बारे में आपको बता रहा हूं। ये बिहार से उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, अचानक इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा जा रही है और उसके बाद हादसा होता है। स्कॉर्पियो से सभी भोजपुरी कलाकार किसी तरह बाहर निकलते हैं, दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से ट्रक आती है, इन्हें बुरी तरह से कुचल देती है और उसके बाद इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार सभी लोगों की मौत हो जा रही है। इस हादसे में ट्रक पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सूत्र बता रहे हैं भोजपुरी सिंगर छोटू पांडे समेत 7 साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से सासाराम की तरफ से वाराणसी जो आ रही थी, स्कॉर्पियो जैसे ही देवकली के समीप आती है ड्राइवर की गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, वह अपना नियंत्रण खो देता है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनकंट्रोल होकर डिवाइडर पार करती ही दूसरी तरफ चली जाती है, जहां सामने से एक कंटेनर आ रहा था और वह कंटेनर आ रहा था और उसी समय ये गाड़ी पलट जाती है और इस पूरे हादसे में स्कॉर्पियो समेत सभी लोगों की मौत हो जाती है और बाइक सवार एक शख्स ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया है। काल के गाल में समा गए ये भोजपुरी कलाकार और इनके लिए आज का ही दिन अंतिम साबित हुआ। ये कलाकार नहीं जानते थे कि मैं जिस कार्यक्रम में जा रहा हूं, इसी कार्यक्रम में काल का साया इनके सामने मंडरा रहा है और आज काल ने इनको आगोश में ले लिया और हो चुकी है इनकी दर्दनाक मौत। ये सभी नामचीन चेहरे थे, भोजपुरी कलाकार थे, जो कि बहुत ही फेमस थे और लाखों इनके फैंस थे, लेकिन आज जमराज के सामने ये सभी हार गए कलाकार। हो चुकी है इनकी दर्दनाक मौत।